you can see at the deep end over there, those red lights, those are the runway end lights. And you can see that runway side lights are there from all over until this point, which is about Whiskey 3. And it also now has a center line light, which were the embedded to the runway. Those lights were not there earlier. Now it has become an airfield lighting system, Type 2, which will augment our capability of the airfield to the precision approach runway. I'm Lieutenant Commander Pradeep Thakur, Deputy Base Electrical Officer of this place, and I'll be giving you a small brief about the infrastructure which will help this aircraft for night landing operation. Just on 28 February of this year, we commissioned airfield lighting system, which is CAT 2 airfield lighting system. As part of this project, we had one CAT 2 approach light, as well as all around this light is placed over this airfield, and also to give the backup supply, we have got 2-in-1 high capacity DC 750 kVA generators, as well as we have other equipments like RVRs, new CCR, which helps, which gives the supply to the airfields, as well as ATC. ये जो अभी नई फैसिलिटी आई है, खासकर इसमें जो आप लोगों ने जैसे बताया कि इससे नाइट फ्लाइट्स को काफी वो मिलेगा, सहायता मिलेगी, तो इससे जो बाकी छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं उसमें कुछ सहायता होगी? बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तकरीबन 1200 किलोमीटर मेनलैंड इंडिया से है, और यहाँ पर 4 एयरफील्ड हैं, पोर्ट ब्लेयर है, कानिकोबार है, डिगलीपुर है और कैम्बल बे है। इन 4 एयरफील्ड में से सिर्फ पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड है जो कि ड्यूअल यूज है इस समय, और यहाँ पर ड्यूअल यूज कहने का मतलब है मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी लैंड करते हैं और सिविल एयर का भी लैंड करते हैं। अभी रीजनल स्कीम उड़ान के तहत डिगलीपुर से कुछ उड़ान स्टार्ट होने वाले हैं। एफी लाइटिंग सिस्टम के आने के बाद अभी तक हम लोग जो सिर्फ दिन में फ्लाइट लैंड करती थी, सिविल फ्लाइट, मिलिट्री फ्लाइंग तो हमारी 24/7 चलती है, 365 दिन, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन सिविल फ्लाइट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, उनके तहत ये एफी लाइटिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसके होने से सिविल फ्लाइट अब यहाँ से ऑपरेट कर सकती हैं 24/7। तो हो सकता है कि अभी और प्राइवेट फ्लाइट्स का भी यहाँ पे आना जाना करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टूरिस्ट सीजन अभी शुरू होने वाला है कुछ समय में। टूरिस्ट सीजन के टाइम पे तकरीबन 30 से 35 फ्लाइट यहाँ आती हैं। दिल्ली से कुछ फ्लाइट आ रही हैं, बॉम्बे से फ्लाइट आ रही हैं, लेकिन रात को नहीं आ पाती हैं। ये फ्लाइट अगर रात को आ जाएंगे तो टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा यहाँ पर। जो लोग फ्राइडे को वहाँ से चल सकते हैं, अगर यहाँ पर फ्राइडे को आ जाएंगे, 2 दिन यहाँ रुक करके संडे की रात को या फिर मंडे को जा सकते हैं, उससे बहुत बढ़ावा मिलेगा। सो इट्स अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज नाउ रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू गिव बूस्ट एंड थ्रस्ट टू द टूरिज्म एंड प्रॉब्ली टेक द होटल इंडस्ट्री एंड अदर ऑपरेटर्स इन टू द सेम सिंक। दिस इज जस्ट अ वन स्टेप। सर, लास्ट 1 वीक पहले इंडिगो का थ्रू लैंडिंग सिस्टम ट्रायल किया गया करके वो लोग कंफर्म कर दिए थे कि फुल सेटअप हो गया करके, बट आज हम लोग मालूम है कि अभी फुल सेटअप इक्विपमेंट सब लगाया करके। करेक्ट। कितना सही है सर? जो अभी 18 अप्रैल को एक इंडिगो फ्लाइट आई थी, क्या नाम था उसका? इंडिगो फ्लाइट एक आई थी 18 अप्रैल को, उसने पहली इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम किया था। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का कहने का मतलब है ILS। उससे अगर विजिबिलिटी खराब है और मौसम खराब होने के टाइम पर एयरक्राफ्ट को एक इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस मिलता है, बिना कुछ देखे भी आप एयरक्राफ्ट को यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जब विजिबिलिटी अगर जीरो है, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर खड़े हैं आदमी ये नहीं दिख रहा है, और क्लाउड बेस बिल्कुल जमीन तक है, तो भी एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं, वो CAT-3 ILS होते हैं, CAT-3 ILS, CAT-3C होते हैं। यहाँ पर हमारा CAT-1 ILS लगा हुआ है, जो कि एक प्रिसिशन अप्रोच गाइडेंस सिस्टम है। उसके साथ साथ एफी लाइटिंग सिस्टम को कंबाइन करने के साथ साथ आज जो हमने कमीशन किया है,
दिस एयरफील्ड नाउ बिकम्स अ प्रिसिशन अप्रोच रनवे। कहने का मतलब है बैड वेदर में, रात में, बुरे मौसम के टाइम पर भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो या सिविल एयरक्राफ्ट हो, दोनों लैंड कर सकते हैं। दो पहलू है, देखिये वेदर जब खराब होता है तो हर जहाज यहाँ पर लैंड नहीं कर सकता, और जहाज को लैंड करने की काबिलियत एक पायलट की होती है। कोई पायलट कम एक्सपीरियंस होते हैं, कोई पायलट ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। एक बहुत बड़ी पिक्युलरिटी है जो की ये हमारे सामने हिल है, ये अगर ये हिल नहीं होता तो कोई भी फ्लाइट यहाँ से डाइवर्ट नहीं होती। बोल टाइप है आपको? करेक्ट, इट्स अ बोल, इट्स अ वैली। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे चारों तरफ पहाड़ है, वो पहाड़ है, ये पहाड़ है, और सारा फ्लाइट एक ही तरफ से लैंड करता है और एक ही तरफ को जाता है। हर फ्लाइट की एक लिमिटेशन होती है जो कि विंड स्पीड से होती है। अगर वो टेल विंड स्पीड एक्सीड करता है तो कोई भी फ्लाइट को लैंड करना सेफ नहीं होता है। जो लैंडिंग डिस्टेंस हमारी जो हवाई पट्टी है वो कम पड़ जाती है और आप उसको रोक नहीं पाएंगे, वहां पर आप कच्चे में जा सकते हैं। अगर ये हिल नहीं होता तो कोई भी फ्लाइट यहाँ से डाइवर्ट नहीं करती। ये जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो अभी 18 अप्रैल को एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने कहते हैं इनॉग्रेट कराया हमारे द्वारा, और जो एफी लैंडिंग सिस्टम आज जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं अवेलेबल, इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि अगर 10 फ्लाइट डाइवर्ट करती है सीजन में तो शायद 3 फ्लाइट डाइवर्ट करेंगे, 7 फ्लाइट हम मैनेज करेंगे लैंड करने के लिए। और एक सवाल है मेरा तरफ से, वो सवाल ये है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2-1 साल पहले रात को 12 बजे कोई फ्लाइट यहाँ से छोड़ता था कलकत्ता के लिए, शायद वो चार्टर्ड फ्लाइट था। उस टाइम ये फैसिलिटी ना होता हुआ ये कैसे है वो यहाँ से? करेक्ट, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया मिलिट्री फ्लाइंग हम लोग 24/7 365 डेज ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास पोर्टेबल एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम है। उस समय उस फ्लाइट को पोर्टेबल एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम के लगाने के बाद हमने उसको कहते हैं लॉन्च किया होगा। आई एम नॉट श्योर 2 साल पहले यहाँ पर कैसे अरेंजमेंट किया गया था, बट हाँ कमर्शियल फ्लाइट नाउ इट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ दैट। 2 साल पहले इट इज गोइंग 4 इयर्स बैक, जब पोर्टेबल इंडिया वाज अपडेट। ओके, इज ऑन द कंपोजिशन अप्रोच देयर। हां, तो ही कैन आंसर कमांडर सैन, फ्लाइट वाज अर्लियर ऑपरेटिंग, इट वाज कमिंग एज अ नॉन प्रिसिशन, नाउ विद द आईएलएस इट हैज बिकम प्रिसिशन अप्रोच दैट वे, एंड व्हाट वी आर डूइंग टुडे वी आर लॉन्चिंग इट इज गिविंग other than the instrument you have to give a visual guidance to the aircraft, so this lighting system actually giving you the visual guidance. Means if you are coming based on the instrument and you don't have any visual guidance, then all of a sudden you will not be able to control your aircraft, you will not have a guidance to go. So this lighting system along with the central line light and edge light is giving you that precision guidance after landing where you will go. aap ye samajh sakte hain ki agar aap aankhon mein patti bandh le aur आपको अगर कार चलाने का मौका दिया जाए तो आप क्या कार रोड में सीधे चला सकते हैं और अगर टर्न्स उसको नेविगेट कर सकते हैं? लेकिन इंस्ट्रूमेंट लाइटिंग सिस्टम के साथ साथ एफी लाइटिंग सिस्टम जो आ गई है इसके साथ साथ ये कैपेबल है। कहने का मतलब है ऑब्वियसली पायलट की आंखों में पट्टी नहीं बंधा हुआ है पर उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है एक एक्सेस होता है और एक ही एक्सेस होता है, उसके हिसाब से आपको ऐसा गाइडेंस मिलता है कि आप बिल्कुल सीधे आएंगे और आपकी हाइट भी सीधे से कम करते जाएंगे और एग्जैक्टली एट द राइट पॉइंट आप टच डाउन कर सकते हैं। ये काम है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का। ये बोल टाइप एयरपोर्ट होने के नाते यहाँ पायलट P1 छोड़ के शायद अभी भी P1 पायलट छोड़ के कोई लैंड नहीं कर सकता। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, आप सही बोल रहे हैं। जो P1 पायलट होते हैं वो लेफ्ट में बैठते हैं एयरक्राफ्ट के, जैसे अगर हम कॉकपिट में अंदर जाते हैं और अगर बाहर की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ जो पायलट बैठे हैं वो P1 है, उन्हीं को अलाउड है लैंडिंग करना। और हम लोग सिंस मिलिट्री में है हम लोग प्रोग्रेस करते रहते हैं कि P1 और P2 दोनों को हम ट्रेनिंग करते रहते हैं बिकॉज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द मिलिट्री नेसेसिटी। सर जैसा आप इंस्ट्रूमेंट है जो एक्यूरेसी दे रहा है लैंडिंग के व्हेन लाइक ब्लाइंडफोल्डेड भी अगर हो जाए पायलट, नॉट ब्लाइंडफोल्डेड सॉरी, विजिबिलिटी इज लेस, क्लाउड्स आर देयर, यू कैन नॉट सी द आउटसाइड एयरफील्ड एनवायरनमेंट, उसको टोटली तरीके से इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस देते हैं, गाइडेंस दे रहा है वो एकदम एक्यूरेट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बात की खुशी है बिल्कुल। एंड आपका एयरक्राफ्ट बिल्कुल भी रनवे के सेंटर लाइन से ऊपर से आएगा एंड बिल्कुल डिविएशन नहीं होगा, एंड एक्यूरेट गाइडेंस जो हाइट का गाइडेंस है वो भी बिल्कुल ऐसा होगा जैसे अगर आप दूर हैं 3 किलोमीटर दूर हैं तो आप हाइट पे होंगे, बिल्कुल 300 मीटर पे तो आप बिल्कुल लोअर हाइट पे होंगे। डायरेक्शन दिया जाएगा या यहाँ से यहीं से मॉनिटर कर रखा किया नहीं जाएगा? वो हमारा यहाँ से जो हमारे सेंसर सिग्नल हमको जो एयरक्राफ्ट को भेजते हैं एयरक्राफ्ट वो सिग्नल रिसीव करेंगे और उसके हिसाब से अपने आपको मनूवर करेंगे, हम कोई सिग्नल यहाँ से ATC से नहीं देते हैं। थैंक यू सर।